लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। लॉकडाउन और कोरोना महामारी से रेड लाइट एरिया में भी रोजी रोटी की मुसीबत पैदा हो गई है, हालांकि इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सेक्स वर्कर्स के ऐसे मुश्किल भरे दौर में विजय नाटा फाउंडेशन ने मदद का हाथ बढ़ाया है। आज फाउंडेशन के जरिए तुर्बे के रेड लाइट इलाके में खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के उपशहर प्रमुख प्रदीप वाघमारे और उत्तर भारतीय सेल के जिला संगठक कमलेश वर्मा समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे, जिनके हाथों यहां के सैकड़ों सेक्स वर्कर्स को राशन किट बांटी गई। कमलेश वर्मा ने कहा कि कोरोना ने रेड लाइट इलाके के लोगों की जीविका छीन ली है, ऐसे में यह रसद अभियान जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी ने जहां कारोबार और नौकरियों पर असर डाला है, वहीं सेक्स वर्कर की रोजी रोटी भी छीन ली है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में विजय नाहटा फाउंडेशन उन्हें मदद का हाथ बढ़ाकर बड़ी राहत दे रहा है। आज फाउंडेशन के जरिए तुर्बे के रेड लाइट इलाके में खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस अवसर पर शिवसेना के कई पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ उत्तर भारतीय सेल के जिला संगठक कमलेश वर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों सेक्स वर्कर को राशन किट बांटी गई। कमलेश वर्मा ने कहा कि कोरोना ने रेड लाइट इलाके के रहवासियों की जीविका प्रभावित की है, ऐसे में शिवसेना उपनेता विजय नाहटा का यह रसद अभियान लोगों के लिए वरदान साबित होगा। ये पिछले 1.5 सालों से साहब का मार्गदर्शन पे, साहब के आशीर्वाद पे और साहब का जो कार्य है, उस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज लगभग मेरे ख्याल से 10-12 जगह ये किट बांटे गए हैं, 11-12 वार्डों में बांटे गए हैं और वही कार्य आज हम तुर्बा स्टोर में एक कर रहे हैं और आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से 7-8 दिन ऐसे ही लोगों को राशन किट बांटने का कार्य चलता रहेगा। हमारे आदरणीय विजय नाहटा साहब ने हम सबको आश्वस्त किया है कि किसी भी गरीब और परेशान लाचार भाई बहन को भूख से तड़पना न पड़े, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं लॉकडाउन के चलते हुए सारे लोगों के काम धंधे सब बंद पड़ गए हैं। रेड लाइट एरिया है ये, अभी आपके सामने जो बांटा गया ये लगभग अभी 100 किट हमने देवदासी महिलाओं को दिया है, क्योंकि हमने सोचा कि इनसे ज़्यादा गरीब या इनसे ज़्यादा परेशान और कौन हो सकता है। इसलिए हम इस कार्य के लिए आदरणीय विजय नाहटा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ऐसी ताकत हमें हमेशा शिवसेना के माध्यम से, आदरणीय साहब के माध्यम से मिलती रहे ताकि हम समाज सेवा कर सके। आज या तुर्बेष्टोच्या भागामधील जो रेड लाईट एरिया आहे, त्या रेड लाईट एरियामधील ज्या देह विक्री करणाऱ्या महिला आहेत, आज त्यांच्याकडे जास्तीत जास्त त्यांच्या घरामध्ये किट गेलं पाहिजे, त्यांच्या घरातली चूल पेटली पाहिजे। हा साहेबांचा तळमळीचा एक आदेश होता की त्यांच्याकडे जा आणि त्यांना देऊन या, म्हणून आमच्या आदरणीय कमलीजी वर्मा आम्ही त्यांना कॉन्टॅक्ट
कॉन्टॅक्ट करून हा जो एरिया आहे तिथलच्या आमच्या देह विक्री करणाऱ्या महिलांना आम्ही किटचं वाटप केलं आणि त्यांचे आशीर्वाद घेतले आणि हे सातत्याने हे चालत राहणार आहे, कारण की शिवसेना एक असा पक्ष आहे जो सुखात नसेल पण दुःखात मात्र सर्वांच्या बरोबर असतो, कारण की आदरणीय बाळासाहेब ठाकरेंनीच आम्हाला शिकवलेलं आहे की 80% समाजकारण करा आणि 20% फक्त आम्ही राजकारण करतो आणि तेही राजकारण फार कमी प्रमाणात असतं, म्हणून सर्वांच्या दुःखात धावून जाणे आमचं काम आहे आणि त्याप्रतीचं आमचे विजय नाटासाहेब काम करत आहेत त्यांना दीर्घायुष्य लाभो हीच आम्ही यातून प्रार्थना करतो। बताना जरूरी है कि शिवसेना उपनेता विजय नाहटा नवम्बई में विजय नाहटा फाउंडेशन के जरिए जरूरतमंदों को अनाज वितरण का कार्यक्रम चला रहे हैं। बीते हफ्ते भर से जारी इस अभियान में अब तक नेरुल, सिरौने, सानपाड़ा, जुईनगर समेत कई इलाकों में रोजाना खाद्यान्न बांटे जा रहे हैं। हर तबके में यह राशन किट वितरण का काम चल रहा है ताकि कोई भी अन्न के अभाव में भूखा न सोने पाए। शिवसेना पदाधिकारी हर दिन खाद्य रसद के जरिए जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के काम में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।